सो लास्ट इस टेंजाज में हमने देखा था मैथ्यू अर्नोल्ड डोअर बीच विजिट करने गए हैं, और डोअर बीच वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है। अर्नोल्ड ने यहाँ पे जो सी वेव्स हैं, जिनको सी सूर के किनारे उन लहरों को देख रहे हैं, उनको कंपेरिजन किया है किससे? ह्यूमन लाइफ से। ओके, कैसे? लेट्स सी। फर्स्ट लाइन, द सी ऑफ फेथ। सी ऑफ फेथ की जो मीनिंग है, दैट इज़ द फेथ इन रिलीजन। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन में ये जो ब्राइट गर्डल है, ब्राइट गर्डल क्या होता है? ये एक प्रकार की ज्वेलरी है जिसे फीमेल्स अपने वेस्ट में 29 to 37। लास्ट स्टेंजा है ये, रीड करते हैं लाइन्स को। आ लव, लेट अस बी ट्रू टू वन एंड उदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स सो वेरियस सो ब्यूटिफुल सो न्यू हैथ रियली नेदर जॉय नॉर लव नॉर। हमें ऐसा नहीं करना है। सो इन द लास्ट स्टेंजा पोएट अपनी बिलव्ड वाइफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसे उनके प्रति डिवोटेड रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा BNM इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइस, इन दिस वीडियो टुडे आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएट्री टूअर बीच। इसमें हम टू स्टेंजाज को स्टडी करेंगे, लास्ट के टू स्टेंजाज को। यू कैन सी हियर ऑन व्हाइट बोर्ड मैथ्यू अर्नोल्ड पोएट्री टूअर बीच, इसे भी स्टडी करेंगे इस वीडियो में। दिस इज फॉर बी पार्ट वन सेमेस्टर टू। योर पेपर नेम इज रीडिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री। तो यूनिट 6 में मैथ्यू अर्नोल्ड की डोअर बीच पोइट्री को आज हम इसको फिनिश करेंगे। 2 स्टैंजाज रह गए थे, एंड इसके पहले जो भी हमने स्टैंजाज स्टडी किए हैं, वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। या आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में सर्च करना है BA पार्ट 1 सेमेस्टर 2 रीडिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री। तो वहाँ पे आपको यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक के जितने भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं चैनल पे आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ फॉर ऑल UP स्टेट यूनिवर्सिटी। एज यू ऑल नो, सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है, चाहे आप MGKVP इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, VBSVU, RMPUC, डॉक्टर भीमराव मेडिकल यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। या अगर आप इंडिया के किसी अदर स्टेट से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके सिलेबस में मैथ्यू अर्नोल्ड का डोअर बीच पोइट्री लगा है, तो वीडियो आज की काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो। ओके, सो आज हमें स्टडी करना है मैथ्यू अर्नोल्ड की पोइट्री डोअर बीच। ओके, सो इसमें हम लाइन्स 21 से लेकर के 28 को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम 29 से लेकर के 37 लाइन्स को स्टडी करेंगे। टोटल 37 लाइन्स इस पोइट्री में दी गई हैं। तो हमने ऑलरेडी स्टैंजा 1, 2, 3, 4 को स्टडी कर लिए हैं। ओके, और ये जो पोइट्री है डोअर बीच, ये पोएम पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम इन 1867 इन न्यू पोएम्स का एक कलेक्शन है मैथ्यू अर्नोल्ड का, उसी में फर्स्ट टाइम 1867 में पब्लिश हुई थी। ओके, सो लास्ट स्टैंजाज में हमने देखा था मैथ्यू अर्नोल्ड डोअर बीच विजिट करने गए हैं, और डोअर बीच वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है। नाइट का टाइमिंग होता है, सी बिल्कुल ही शांत है, जो मून है ब्राइटली शाइन कर रहा है, सामने इंग्लैंड की पहाड़ियां हैं उस पर भी मून लाइट पड़ रहा है और समुद्र पर भी पड़ रहा है, तो एक ब्यूटीफुल सा सीन क्रिएट हो गया है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड उस सीन को इंजॉय कर रहे हैं अपने होटल के विंडो से, उस समुद्र तट पे खड़े होकर के सामने की व्यू को। तो अपनी वाइफ को, अपनी बिलव्ड वाइफ को भी वहाँ पे बुलाते हैं, उनके साथ हो गए हैं, आफ्टर मैरिज विजिट करने जाते हैं डोअर बीच पे। तो उनसे भी बोलते हैं कि तुम भी इस सीन को एंजॉय करो। स्टार्टिंग में हमें ये जो पोइट्री है एक रोमांटिक पोइट्री लगती है, बट मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको अपने फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ से राइट किया है। ओके, तो समुद्र की जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, वो अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं, तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वो जो लहरें हैं वहाँ के रॉक से, चट्टानों से, स्टोन से टकरा करके एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, वो साउंड एक मेलांकोलिक साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, दुख भरा साउंड है। ओके, आगे के स्टैंजाज में मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं कि ये जो मैं साउंड सुन रहा हूँ, मेलांकोलिक साउंड, इसको बहुत टाइम पहले सोफोकल्स ने भी सुना होगा। सोफोकल्स एक ड्रामाटिस्ट थे, तो उन्होंने भी इस साउंड को सुना होगा। कहाँ पे? एजन सी पे, एजन सागर पे, बहुत टाइम पहले। ओके, सो लेट्स सी आगे के स्टैंजाज में पोएट क्या बोलते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। सो लेट्स सी इन लाइंस 21 से 28। ओके, सो लाइंस आर द सी ऑफ फेथ। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस एट द फुल एंड राउंड अर्थ सोर, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल फोल्ड, बट नाउ आई ओनली हेयर इट्स मिलॉन्गली लॉन्ग विथ ड्रॉइंग रोअर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ of the night wind down the vast ages drear and naked singles of the world. Okay, I hope you can see here. So, इस स्टैंजा में मैथ्यू अर्नोल्ड ने यहाँ पे जो सी वेव्स हैं, जिनको सी सूर के किनारे उन लहरों को देख रहे हैं, उनको कंपेरिजन किया है किससे? ह्यूमन लाइफ से। ओके, कैसे? लेट्स सी। फर्स्ट लाइन, द सी ऑफ फेथ। सी ऑफ फेथ की जो मीनिंग है, दैट इज द फेथ इन रिलीजन। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन में ये जो ब्राइट गर्डल है, ब्राइट गर्डल क्या होता है? ये एक प्रकार की ज्वेलरी है जिसे फीमेल्स अपने वेस्ट में पहनती हैं। आपने अपनी मम्मी, दादी, नानी वगैरह को भी देखा होगा,
कमरबंद जिसको हिंदी में कहते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट लाइन में मेलांकली, मेलांकली मीन्स होता है दुख, ग्रीफ। एंड विथ ड्राइंग मीन्स वापस लौटते हुए। एंड ये जो शिंगल्स है, सिंगल्स मीन्स होता है पेबल्स, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कंकड़ वगैरह, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे, उन्हीं को पेबल्स बोला जाता है या सिंगल्स आप बोल सकते हो। एंड ड्रियर, ये जो वर्ड है ड्रियर मीन्स होता है डल, नीरश आप इसको बोल सकते हैं, ओके। सो इन दिस स्टैंड इन द फर्स्ट लाइन, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस एट द फुल एंड राउंड अर्थ सोल। तो फर्स्ट लाइन में पोएट सेज दैट कि एक टाइम ऐसा था, वॉज वंस, कि एक टाइम ऐसा था कि जब ये जो पूरी पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है वो किससे सराउंडेड थी, द सी ऑफ फेथ से। मीन्स लोगों का एक टाइम ऐसा था कि लोगों का रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव था इस अर्थ पे, किस तरह से, जैसे ले लाइट द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फॉल, जैसे कि गर्डल होता है जो ज्वेलरी होती है, चारों लपेटी होती है, उसी तरह से एक टाइम ऐसा था जब इस पूरी पृथ्वी पर लोगों का रिलीजन में बहुत ज़्यादा फेथ था, बट अब ऐसा नहीं है। प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में, हम लोगों का जो फेथ है रिलीजन में वो अब कम होता जा रहा है या खत्म ही हो गया है। इट्स मेलांकली लॉन्ग विथ ड्रॉइंग रूवर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ट्रियर एंड नेक्स्ट सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट लाइन्स में पोएट बोलते हैं आगे कि जो वो वेव्स को देख रहे हैं, समुद्र की लहरों को देख रहे हैं, वो समुद्र तट पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया समुद्र के किनारे खड़े हैं सी शोर पे, समुद्र तट पे, वहाँ पे जो लहरें हैं ऊपर नीचे उठ रही हैं, जो उनमें ज्वार भाटा हो रहा है, तो उन लहरों को उन्होंने किससे कंपेरिजन किया है, तो वो जो लहरें हैं जो वापस लौटती हुई लहरें हैं, उनको उन्होंने कंपेरिजन किया है किससे, कि जिस तरह से लोगों का जो फेथ है रिलीजन में वो कम होता जा रहा है, उससे कंपेरिजन किया है, ओके। एंड ये जो लहरें हैं ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रियर, दैट मीन्स कि ये जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, वो ह्यूमन लाइफ को क्या बना रही हैं, डल बना रही हैं, नीरस बना रही हैं, ओके। तो इस स्टैंजा में पोएट ये बोलना चाहते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब लोगों का जो फेथ था रिलीजन में बहुत ज़्यादा था, लोग रिलीजियस पीपल थे, बट अभी क्या है, लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, लोगों का जो बिलीफ है वो रिलीजन से कम होता जा रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है बहुत तेज़ी से। और ये जो समुद्र की लहरें हैं जो वापस लौट रही हैं, इसी तरह से जो लोगों का फेथ है रिलीजन में वो कम होता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नॉल्ड। एंड ये जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो क्या है, ह्यूमन लाइफ को डल बना रही हैं, ओके। एंड नाउ लेट्स रीड द लास्ट स्टैंजा, सो लेट्स स्टडी द लास्ट स्टैंजा, ओके। लाइन्स फ्रॉम 29 to 37, लास्ट स्टैंजा है ये, रीड करते हैं लाइन्स को। आर लव लेट अस बी ट्रू टू वन एंड उदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स सो वेरियस सो ब्यूटिफुल सो न्यू हैथ रियली नैदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन एंड वी आर हेयर एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन स्वेट विद कन्फ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। सो इस स्टैंजा में पोएट ने ह्यूमन के इरिलीजियस हो जाने पे, फेथलेस हो जाने पे, उसके फ्यूचर में कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं। वो अपनी बिलव्ड वाइफ से बोलते हैं, आर लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स। सो हेयर पोएट सेज टू हिज वाइफ दैट, अपनी बिलव्ड वाइफ से बोलते हैं कि उसे उसके प्रति डिवोटेड रहना चाहिए, इस फेथलेस का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेट अस बी ट्रू, कि हमें एक दूसरे के प्रति डिवोटेड होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, क्योंकि लव ही ऐसा सोर्स है जो उनको बाइंड रख सकता है टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, कि ये जो वर्ल्ड है जो हमें फेरी लैंड की तरह दिखाई दे रहा है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, सो वैरायटी, सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू, हैथ रियली नेदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। तो ये जो वर्ल्ड है जो बहुत खुशियों से भरा दिखाई दे रहा है, फेरी लैंड की तरह से ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, सो न्यू, असल में ऐसा है नहीं ये बिल्कुल भी, ना तो इसमें कोई जॉय है, ना ही लव है, ना कोई लाइट है, मीन्स ना तो कोई नॉलेज है, ना सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मीन्स होता है आप सिंपैथी बोल सकते हो, विदाउट सिंपैथी, ना ही इसमें कोई सिंपैथी है, ना ही सुख शांति, ना कोई पीस है, और ना ही किसी के पास कोई हेल्प है हमारे किसी पेन के लिए, ओके। एंड आगे बोलते हैं, एंड वी आर हेयर एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन, डार्कलिंग प्लेन मीन्स यहाँ पे मीनिंग अंधेरे से भरी हुई जगह, हम यहाँ पे किसी अंधकार से भरी हुई जगह पे हैं, यहाँ पे ना तो कोई खुशी है ना आनंद है, ये जो लाइफ है ये स्ट्रगल से भरी हुई है,
set with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. आगे ये पोएट कहते हैं कि यहाँ पे जो मॉडर्न मैन है वो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है, डाउट से भरा है, क्योंकि उसे फेथ नहीं है किसी पे, विश्वास नहीं है, तो विश्वास की कमी ने उसको कंफ्यूज्ड कर दिया है. किस तरह से, जिस तरह से जो आर्मीज होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो बैटल फील्ड में फाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, उनको पता ही नहीं होता कौन उनका फ्रेंड है, कौन उनका एनिमी है. बस जिस तरह से अलार्म के बजने पे वे लड़ना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से मॉडर्न मैन भी है. फेथ ना होने की वजह से वो एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं, जो मॉडर्न मैन है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है. सो इन द लास्ट सिस्टम या पोएट अपनी बिलव्ड वाइफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसे उनके प्रति डिवोटेड रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए. ये जो फेथलेस हो गई है वर्ल्ड, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है जो हमें दिखाई दे रहा है लैंड ऑफ ड्रीम्स की तरह से ब्यूटीफुल नया, हकीकत में ये ऐसा है नहीं, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है. रियलिटी में यहाँ पे ना तो कोई खुशी है, ना कोई लव है, ना कोई लाइट है, ना ही किसी के पास कोई सिंपैथी है, ना कोई सुख शांति है, ना ही किसी के पास कोई हेल्प है किसी के पेन के लिए. लोग यहाँ पे कन्फ्यूज्ड हैं, डाउट से भरे हुए हैं, और एक दूसरे का अपोज करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो डाउट में है, उनको फेथ नहीं है, फेथ की कमी है, दे आर फेथलेस. इस तरह से जैसे कि जो सोल्जर्स होते हैं बैटल फील्ड में अलार्म के बज जाने पर लड़ते रहते हैं, उसी तरह से मॉडर्न मैन हो चुका है कि वो एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं डाउट की वजह से. ओके, तो लव ही ऐसा सोर्स है जो कि हमको बाइंड करके रख सकता है. सो दिस वॉज लास्ट स्टैंजा. रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आप राइट कर लीजिएगा, जैसे पहले भी मैंने आपको बता रखे हैं. सो आई होप ये वीडियो आज की आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रही होगी. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लास फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पोइट्री को डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. गॉड ब्लेस यू.